हेलो हेलो, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आज हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनका मेन पर्पस है, हम लोगों का जो है क्विज प्रतियोगिता रखा गया है। तो हम लोग सभी शिक्षक और जो भी पार्टिसिपेट किए हैं, सबसे पहले आपको आदर्श कोचिंग सेंटर के टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। चलिए, थैंक यू। हम लोग ने काफी दिनों से ये प्रयास किए थे हम सभी शिक्षक कि इसको जो है बेहतर से बेहतर करेंगे। क्विज कंपटीशन का मेन मतलब होता है कि बच्चे के बीच में जो है उसको और जो शिक्षा है उसको और बढ़ावा देना, कि ताकि आप जो भी जानते हैं उसको और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। तो हम लोग सभी शिक्षक आपके बीच तैयार है और आप इसी तरह शांति बनाकर रखेंगे। और जज के लिए हमारे सर लोग बैठे हुए, मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये हमारे सुमित सर हैं जो कि जज का पद संभाल रहे हैं, और ये हमारे राजेश सर हैं। चलिए, हमारे राजेश सर हैं, और ये हमारे क्या बोलते हैं राहुल सर हैं। चलिए, थैंक यू। और क्विज मास्टर के रूप में जो है हम लोग, सबसे पहले हमारे मिथुन सर हैं, सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अब जो है हम मिथुन सर को आमंत्रित करते हैं कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है बच्चे को बताएं और क्विज को आगे बढ़ाएं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज साइंस क्विज होने जा रहा है, और ये बहुत ही हम लोगों ने कई दिनों से सोचा था, कई बार सोचा, हाँ, होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट राउंड में सभी टीम समझ लें कैसा होगा। सबसे पहले हम टीम ए नाम कंफर्म कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि यहाँ सब लोग उपस्थित है कि नहीं। टीम ए में रोशनी कुमारी, खुशी कुमारी, पूजा कुमारी, अरविंदा कुमारी प्रेजेंट है। टीम बी में कुंदन कुमार, अभिनंदन कुमार, सुमित कुमार और विक्रम कुमार। टीम सी में रोशनी कुमारी, भारती कुमारी, मुस्कान एंड खुशी कुमारी। टीम डी सौरभ कुमार, मोहित कुमार, शिवम कुमार, अमरकांत कुमार। टीम ई में अंशु कुमारी, सीमा कुमारी, रागनी कुमारी अब्सेंट है। चलिए, ठीक है। टीम एफ में विजय कुमार, साहिल कुमार, आशीष कुमार, आनंद कुमार, और एक हमारी टीम जी का नाम है अमर कुमार, अमरदीप कुमार, मणिकांत कुमार, आलोक कुमार। आप लोग सभी अपने अपने टीम का नाम याद रखेंगे, जिनको टीम जो असाइन किया गया है वो अपना याद रखेंगे। टीम ए से वहां से स्टार्ट है, टीम ए बी सी डी ई एफ और जी। इसके बाद ये फर्स्ट राउंड में हम लोग दो भाग करके कर रहे हैं क्विज। फर्स्ट भाग में 7 टीम पार्टिसिपेट हो रही है, और सेकेंड भाग में फर्स्ट राउंड के जो बाकी टीमें हमारी बची हुई है 6 टीम वो पार्टिसिपेट होंगी। ठीक है, पहले राउंड में आपसे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, उसमें से प्रत्येक टीम को 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन में से 3 का आंसर देना आपका आवश्यक है। जो टीम 3 का आंसर देगी वो टीम आगे क्वालिफाई करेगी, आगे राउंड में जाएगी। जो टीम 3 का आंसर नहीं दे पाएगी वो यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। सबको समझ में आ गया फर्स्ट राउंड का रूल? तो हम टीम से स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन टीम ए के लिए स्टॉप वॉच स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन खत्म होगा तो आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ने से खत्म होने तक। टीम ए फर्स्ट क्वेश्चन, 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म। गलत जवाब। हम ऑडियंस के पास जाना चाहेंगे, 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसी को पता है? ऑडियंस, आप लोग पार्टिसिपेट को नहीं बोलेंगे, ऑडियंस में किसी को मालूम है 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किनको मिला? नहीं मालूम, डिसीजन टू इसका सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, टीम ए से
भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? सोच लीजिए, 40 सेकंड टाइम है आपके पास, आपस में डिस्कस कर लीजिए, आप डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? साल 18 महीना। आराम से सोचिए, समय है आपके पास। गलत जवाब। पार्टिसिपेंट नहीं बोलना है, ऑडियंस में किसी को बोलना है? ऑडियंस हम ऑडियंस के पास ही जाना चाहेंगे। ऑडियंस नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं बोलना है ऑडियंस में किसी को, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑडियंस से पार्टिसिपेट नहीं हुए उनको बोलना है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? आप पार्टिसिपेंट है ना, पार्टिसिपेंट नहीं बोलना है। बोल सकते हैं कोई? इनको मतलब हो जाए क्या? हाँ, ऑडियंस में है। चलिए आप बोल सकती हैं, बताइए। बिल्कुल सही जवाब। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ये सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए, पहले राउंड का 3 में से 3रा क्वेश्चन। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल सही जवाब। 2040 क्वेश्चन नंबर 4 जो 3 में से पूछा जा रहा है। भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अस्थल सीमा बनाता है? पूरे 45 जैसे बोलिए पास है। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है 7। तो टीम ने अच्छा खेला, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का जवाब दिया उन्होंने। चलिए हम चलते हैं टीम बी के पास। टीम बी के लिए पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म RRR को किसने डायरेक्ट किया? प्रसिद्ध फिल्म RRR सभी देखा होगा, अभी बहुत उसका फेमस गाना भी हुआ था। उसका डायरेक्शन का नाम, डायरेक्टर का नाम आप आराम से सोच के जवाब दें, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा नहीं है, तो ये सीखने का चीज है ना, लर्निंग पीरियड है। कैसे क्विज को खेला जाता है, कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगली बार के लिए आपकी तैयारी भी होगी, है कि नहीं? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? माइक पकड़िए, कोई बताइए, सोचिए। गलत जवाब है, उसको मत ले। और स्थापना कब हुई थी? 1885। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, 14B। हु इज द फर्स्ट लेडीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी। गलत है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम। पहले बोल रहे हैं जिनको आते हैं, आप एक एक करके सबके पास जाएंगे, आप बैठिए, आपके पास नहीं आएंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको पता है? चलिए बताइए। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आराम से सोच के बोलो। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? किन्हीं को मालूम है ऑडियंस में?
कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये बहुत सिंपल सवाल है, ये आपको आना चाहिए। इसका आंसर है 8 राज्य। ठीक है, तो टीम बी का चारों जवाब ये नहीं दे पाए इस बार, कोई बात नहीं, अगली बार फिर ये होगी। अब मैं टीम सी और डी के लिए मिथिलेश्वर को बुलाना चाहूंगा कि वो इनसे सवाल जवाब करे। तो हम ग्रुप सी की ओर चलते हैं और इनका पहला प्रश्न ये है, ग्रुप सी आप लोग हैं ना, ग्रुप सी से, और जिनका नाम है रोहित कुमारी, आप बताएंगे प्रसिद्ध फिल्म सुल्तान में किस खेल को दिखाया गया है? प्रसिद्ध फिल्म सुल्तान में किस खेल को दिखाया गया है बताएंगे, आपके लिए 45 सेकंड है, आराम से विचार करके बताएंगे। प्रसिद्ध फिल्म सुल्तान में किस खेल को दिखाया गया है? अगर बताएंगे तो आप पास बोल सकते हैं। नहीं सर, अच्छा ओके बोलिए। सर टाइम देखेंगे, बताइए हम आपका टाइम का वेट कर रहे हैं, आप बताएंगे टाइम कितनी है? चलिए राहुल आंसर दिए हैं, क्रिकेट दिल्ली राहुल आंसर है, कुछ लोगों से दो मिनट तक बता देते हैं। चलिए तो सर बहुत आप लोगों से बताइए करना चाहेगा, प्रसिद्ध फिल्म सुल्तान में किस खेल को दिखाया गया है? बोल सकते हैं दंगल, दंगल तो क्या है, दंगल तो मूवी हाँ दंगल फिल्म खेल बताना खेल बताना और कहीं हाँ थैंक यू कुश्ती सर थैंक यू क्वेश्चन का नाम है जलियांवाला बाग हत्या कांड कर हुआ था, आराम से बताएंगे जलियांवाला बाग का हत्या कांड कर हुआ था, शानदार क्वेश्चन है आपके पास। आराम से विचार करके बोल सकते घर घर बने हुए अब हो गया है, टाइम खत्म हो गया और दूसरे बार में ट्राई कर लेते हैं, बहुत शानदार हो गया है, एक बार रिपीट कर लू जलिया वाला बाग का हत्या कांड कर हुआ है, तो जलिया तो प्लीज हाथ टेबल करेंगे किन्हों को बताएंगे जलिया वाला बाग, हाँ एक नाम एकदम दिखाएंगे सुरेंद्र कुमार जी केवल रविंद्र नोटिस, चलो जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू हमारे जो पार्टिसिपेंट की ओर से कौन सा गजल कुमार विकास ट्राई करके आए और उनमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये ऑडियंस को दूसरे नजर आ देना चाहता हूँ। थैंक यू, अगला क्वेश्चन आपके पास 2 वर्ष से लगी है और ये भी कहा जाता क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला तो बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताओ आपको, एकदम आराम से सोच सकते हैं। बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन? चलो जोरदार रजनी लेकिन आगे क्या मैंने चोरी आपका मुस्कान हमारी चोरी थी बच्ची ने जवाब दिया और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, हम बताएंगे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आराम से जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, आराम से सोच के बताएंगे बिहार राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा ही राज्य है बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का नाम भारत का, रॉन्ग आंसर है, कोई भी ऑडियंस बताएंगे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जोरदार ताली बजाएंगे दुनिया के लिए, वाह इन्होंने राजस्थान जवाब दिए और हम बताना चाहेंगे
कि ये जो ग्रुप सी थी इन्होंने 3 क्वेश्चन का जवाब गलत दिए हैं, 1 क्वेश्चन का सिर्फ जवाब दिए हैं। जज महोदय इस पर ध्यान देंगे। और अगला भी हम चलते हैं अब ग्रुप डी के पास, ग्रुप डी के पास चलते हैं जिनमें से पहला क्वेश्चन है, आप आराम से जवाब देंगे, ये आपको फर्स्ट पड़ाव है, जरा सा भी घबराना नहीं है। आगे राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी के पास, भारतीय सेना का पितामह किसे कहा जाता है? आराम से बताइए, भारतीय सेना का पितामह किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आराम से बताइए, 40 सेकंड आपके पास अवेलेबल है। भारतीय सेना का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह वाला है भारतीय सेना का, टाइम आप ले लिया आपका, अगर मैं तो बताएंगे तो नहीं राहुल पूछना चाहेंगे, भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? किसी को पता है? चलो किसी को पता नहीं तो मैं इनका आंसर बताना चाहेंगे। इनका नाम है दादा साहब फाल्के, किनको? दादा साहब फाल्के। और अपने चलिए आपने पहला क्वेश्चन का जवाब गलत दिए, जो पहला उसके बाद का जवाब गलत दिए। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, यूरोपीय देश में भारत आने वाले पहला यूरोपीय देश कौन सा था? मतलब कौन सा देश है जो यूरोपीय देश में, भारत देश में का कौन सा देश है जो यूरोपीय देश है? अमेरिका जो है, बहुत अच्छा। और बताना चाहेंगे फिर आपकी अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से जवाब दोगे, बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह बताना है। चलिए राम आंसर है, नहीं नहीं राम गलत। एक बात आप ध्यान रखिए, चलिए बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है वो भी बता सकते हैं, बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह आप बता सकते हैं, बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताएंगे हाँ राम आंसर चिन्ह बोले, चिन्ह बताना है, चिन्ह वाक्य नहीं है, चलिए मेरे उत्तर क्या है? हाँ बताइए तो आप बताइए, हेलो राम आंसर है। मैं आंसर को दूर करना चाहूंगा, इसका आंसर है डेवी ब्रिज। क्या आंसर है? इतना देर बाद हम लोग मुझे मिलाएंगे। चलिए आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़े भी होंगे, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बहुत लंबा क्वेश्चन है, जो मैं पहले नहीं करेगा काम करिए। इन्होंने चार उनसे दो जवाब दिए और अगला हम चलते हैं, अगला पड़ाव जो है टीम ई है, मैं टीम ई के पास चलते हैं और इनका पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएंगे भारत में बनी पहली फिल्म, भारत में कौन सी पहली फिल्म बनी थी? पहला फिल्म बता रहे क्योंकि हमारे भारत की सबसे सौभाग की बात है कि पहला फिल्म इन लोगों को देखने के लिए था। टाइम और हो गया और हम किसी अगले से मिलना चाहेंगे तो जानते तो बताएंगे, भारत में पहली फिल्म कौन सी बनी थी आप बताएंगे? क्या क्या बोले? चलिए राजा हरिश्चंद्र को जोरदार ताली लगाएंगे, बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी इंदू रानी जो अगले से घर की जवाब दे रहे थे जल्दी, इनको इन्होंने बताया कि मैं पहला फिल्म जो हमारे यहाँ आई आया था उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। मैं अगला क्वेश्चन फिर ग्रुप ई के पास चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से जवाब दे देंगे। क्वेश्चन में बोलना चाहेंगे जनगणमन राष्ट्रीय गान में कितने समय लगता है गाने में, ये बता दूंगा आपको आराम से, ऑडियंस बहुत से करिए, ऑडियंस बताइए ग्रुप ई एक अपना जवाब दिया कि भारत को कौन सी फिल्म, और फिर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बिहार दिवस कब मनाया जाता है, आराम से बताएंगे। सीमा कुमारी और अगला क्वेश्चन में आपसे आप महसूस पूछना चाहेंगे, भारत देश किस देश के साथ सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत देश किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? आराम से बताएंगे। और ये भी पूछना चाहेंगे, प्लीज अगर आप जानते हैं तो आंसर देंगे, भारत देश किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अगर कोई जानते हैं तो आराम से बोलेंगे, हैंड खड़े करेंगे। हाँ बहुत अच्छा, बताएंगे, जोरदार ताली भी करेंगे। थैंक यू, जिन्होंने जवाब दिया धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, आप आराम से हमराए नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को सुने, समझें, डिस्कस करें। आपके पास 40 सही है ना, और फिर आप जवाब, ठीक है, स्टार्ट करें। कितना बना लेकिन नेता ২০২৩ का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर कौन है? सर गलत जवाब है ये, सॉरी। ऑडियंस में को बताना चाहेंगे 2023 के सर्वश्रेष्ठ एक्टर का नाम, अभिनेता का नाम, एनीवन? लगता है बॉलीवुड से मूवी का कोई आप लोगों का लिंक नहीं है, नहीं, सब लोग पढ़ाई लिखाई ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर है ऋतिक रोशन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जवाब दीजिए उसमें। बहुत सही जवाब दे रहे हैं, तालियां। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार की उपराजधानी कहां है? बहुत सही जवाब, जोरदार तालियां। 3 मैच अच्छा कर रही है। इनके लिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ, ध्यान से सुनेंगे आप, भारत किस देश के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बहुत सही जवाब, जोरदार तालियां। 3 ऐप ने बहुत अच्छा जवाब दिया। टीम जी कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट, कोई डरना नहीं है, आराम से सोचना है, जवाब देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, 2023 का सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार किसे मिला? सिंगर, 2023 का सर्वश्रेष्ठ सिंगर, गाना सुनते हैं नहीं आप लोग, फिर तो उसको पता होना चाहिए 2023 में किसे मिला है, सिंगर का नाम बताना है आपको, टाइम लिमिट है 40 सेकेंड का, कृपया ध्यान रखा होंगे आपका, सर आपने जवाब नहीं दे पाया। एनी ऑडियंस, ऑडियंस से भी जवाब देना चाहेंगे इसका, 2023 का सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार, इसका आंसर है अरिजीत सिंह। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक, आपका ऑडियंस से कोई बोलना चाहेंगे? ऑडियंस, जय विष्णु कुमार बोलेंगे, क्लास 10 के छात्र हैं। रजिया, नहीं, रजिया सुल्तान नहीं है, और कोई बोलना चाहेंगे? पीछे तो यहां उठा रही है, पीछे बोलना चाहेंगे आप, जल्दी बताएं। नहीं, औरंगजेब भी इसका आंसर नहीं है, गलत है। चलिए बताइए, मोहम्मद जागीर। नहीं, मोहम्मद जहांगीर भी नहीं है, वो तो बहुत पहले थे, ठीक है। इसका आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनको बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 का इनको जबरदस्ती का शासक बना दिया गया था, जो 1857। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टीम जी, भारत देश की कोयला की राजधानी किसे कहा जाता है? देश की कोयला राजधानी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, देश की कोयला राजधानी, झारखंड राज्य है, झारखंड जिसको नहीं कहा जाता है, तो सिटी का नाम याद, झारखंड में ही है वो, सोच के बताएं, जहां सबसे ज्यादा कोयला होता है, जहां कोयले में आग भी लगी हुई है, आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा। नहीं, रांची में, झरिया में मिलता है, और झरिया में कहा जाता है कि नीचे आग लगी हुई है,
और उसको आग बुझाने की हमने बहुत कोशिश की है बट वो अभी तक नहीं बुझा पाए। धनबाद उसका आंसर है, धनबाद को द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, धनबाद। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है टीम जी के लिए, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत की सबसे अधिक साक्षरता, जहां सबसे ज्यादा एजुकेशन है, शिक्षा है, तो फर्स्ट राउंड में यहां पे पहला भाग खत्म होता है। फर्स्ट राउंड में फर्स्ट भाग में फर्स्ट पार्ट में सेवन टीम ने भाग लिया था, सबों ने अच्छा किया है। हम चाहेंगे कि और जो टीम अभी यहां बैठी है वो कृपया बाहर चले जाए और सेकेंड राउंड में जिस टीम को बुलाया जाएगा वो एक एक करके अंदर आएंगे। नहीं अभी नहीं, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अभी नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये कॉम्पिटिशन में अगर बैठे हैं इसको मामूली की चीज ना समझें, समझ रहे हैं यहां से कुछ मॉडल है जिसको इनको जीत के जाना है ना। उसी के मैंने एक सारी रिक्वेस्ट बनवा दी है कि हाथों में पहले खाने में हिंदी कलम संभाले हैं, हाथों में पैसे उठाने कलम संभाले हैं और हम लोग आदर्श कवि वाले हैं। तो आदर्श कवि जी नाम को चुनौती करना है वो आप लोग मदद कीजिएगा है ना। तो तैयारी का जरूरी है, मन में कभी पता हो डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, कोई भी टीचर आपसे सवाल कर दे यहां या चाहे जहां भी आप स्टेट में खड़े हैं चाहे क्रिकेट भी अपने खेल है अगर ये आपसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी भेगा उन लोगों का कि उनकी भाषा में हम गौर में सुने कोई पूछ क्या रहा है हमें उनका सवाल क्या है, उसके बाद हम जवाब देंगे। अगर हमारे पास उस क्वेश्चन का सवाल नहीं है और हमारे पास अगर टीम है तो हम अपने टीम के लिए राय लेंगे, जानकारी लेंगे कि ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनका इनका जानकारी हम लोगों के पास है। अगर पूरा टीम आपका बड़ोदा की जानकारी नहीं है तब हम काम कर देंगे, हमारे पास जानकारी नहीं है। ओके, ऐसा मुझे सवाल किए और मन पूरा और बना दिया और मिस्टर से सवाल का जवाब गलत दे दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। और इसको जो समझ के रहेंगे हम तो टेलीविजन देखना है और इतने लोगों से फिर भी देखें एक भी जुड़ा ले रहा और जो भी कुछ जुड़ा लगा हम उसको अभी 511 रुपया का पुरस्कार देंगे, जो कि जुड़ा लेंगे उनको 511 रुपया का पुरस्कार नगर देंगे और अभी पूरा करेंगे। तो देखते हैं कौन सा टीम लेकर है जो हमसे आना है और मतलब अपना पुरस्कार जीत के रहा है। स्वीटी अंजलि पूजा श्वेता, टीम आई स्वीटी दिव्या रुचि सिद्धि, टीम जे रक्षा इंदु रिद्धि और निक्की, टीम के अमन सूरज और लव, टीम एल अमन रितेश कुश श्रवण, टीम एम आदित्य बंटी रोशन और विष्णु, टीम एन जो बेहद ही छोटी बच्चों का टीम है इनके हौसले की हम तारीफ करते हैं, इनका नाम है गुंजा संगम और मुनि, इन सभी के लिए जोरदार तालियां। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, टीम एच के लिए पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म दंगल में किस खेल को दर्शाया गया, प्रसिद्ध फिल्म दंगल में किस खेल को दर्शाया गया। आप माइक में आवाज दें, आप जवाब अपना माइक में दें। नहीं ऐसे बैठ के बोल सकते हैं आप, प्रसिद्ध बिल्कुल सही जवाब है कुश्ती, गोला कालियान के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, प्लीज आप लोग टाइम बनाए रखिए, प्लीज ध्यान से देखिए आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी,
ऑडियंस से कोई जवाब देना चाहेंगे? यस सर। आपको बोला गया पहले बोलने के लिए, जिनसे बोले जाएंगे कृपया वही अपना आप अपना हाल उठाइए। चलिए पहले हम इन्हीं के पास आते हैं, खड़े होइए। क्या नाम है? अमरदीप कुमार। अमरदीप कुमार बताइए आंसर। धर्मपाल। बिल्कुल सही जवाब है धर्मपाल। नंबर थ्री, भारत की प्रथम राजधानी कहां थी? भारत की प्रथम राजधानी कहां थी? बिहार। ये गलत जवाब है। ऑडियंस में कोई बताना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, एक ऑडियंस सवाल तैयार है, हम उनके पास जाना चाहेंगे। पहले आप अपना नाम बताएं। आपका नाम? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, क्या आपको पता है कि सॉरी भारत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। बिल्कुल सही जवाब है। उनके लिए दो टीम मैच। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? सोचे ध्यान से। केरल। आपका जवाब गलत है। और यह सुनने के लिए को पता है चावल का कटोरा, फिर से वही आशीष कुमार, एम राइट आशीष कुमार। चलिए आशीष जी बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। टीम आई के लिए बेहद आसान क्वेश्चन है। बॉलीवुड के किस अभिनेता को खिलाड़ी कहा जाता है? बॉलीवुड के किस अभिनेता को खिलाड़ी कहा जाता है? आराम से। इनका जवाब गलत है। इनका जवाब है सवाल, पार्टिसिपेंट को हाथ नहीं उठाएंगे। इनका जवाब है सलमान खान। जो भी क्वेश्चन जाएगा आप अपना अपना जवाब देंगे आप। ऑडियंस बहुत लोग हाथ ला रहे हैं ऑडियंस में। पीछे इस बार हम आएंगे आपके पास। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार जी के पास है हम। बताइए आपका आंसर। अक्षय कुमार। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बॉलीवुड में एक ही खिलाड़ी, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। मुगल वंश के, ध्यान से सुनिएगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के नहीं, मुगल वंश, बाबर। चलिए तीसरा क्वेश्चन है इनका, थर्ड क्वेश्चन आपका। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश सही है। आगे बताइए। सोच के देंगे। बिल्कुल सही जवाब है राकेश शर्मा। चलिए अब इनका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। बिहार में कितने जिले हैं? यहां सोच के जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। क्या हुआ? सारे बताइए, तुरंत बदला ना उन्होंने। है प्रसिद्ध फिल्म पुष्पा, शायद देखा हो आप लोगों ने, है कि नहीं? सब लोगों ने देखा हो। प्रसिद्ध फिल्म पुष्पा में किस चीज की तस्करी की जाती है? दाज माइक में। चंदन की लकड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड क्वेश्चन टीम जे के लिए, भारत की खोज किसने की थी? माइक में बोले, भारत की खोज किसने की थी? 100 वर्ष के आपके पास 40 सेकंड का समय है, कृपया मिलेगा मौका।
एक बार समय मिलेगा, आपके पास 20 समय बचा है, 20 मार्क। गलत जवाब है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टीम जे। अंतरिक्ष में जाने वाली, ये आप ही लोग संबंधित क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही फेमस है ये, कृपया कोई नहीं बोलेंगे बाहर से, टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो। पहले इनका बारी फिर आपका भी आएगा। टाइमर ऑडियंस बहुत सारे कोई बोलेगा नहीं जिनके पास। एक छोटी सी बच्ची हमको दिख रही है भीड़ में, जो बहुत ही प्यारी बच्ची है, कृपया खड़ी हो जाइए। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान, बताइए क्या आंसर होगा इसका? बहुत जोरदार तालियां। राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म, ध्यान से इसमें रखिएगा, पहले कोई और काम चेंज हुआ है। भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म पास करना चाहेंगे और यह अपने किन्हीं को पता है, भारत में सबसे लंबी प्लेटफॉर्म भारत में सबसे लंबी प्लेटफॉर्म नहीं मालूम है, इसका आंसर है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पाला क्वेश्चन है, 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? आराम से अधिकार करके बताइए। हमारी टाइम मैं टाइम पर दिया और इसका जवाब है आगे है। थैंक यू। और इससे अब बताना चाहेंगे दूसरे आपके पास परसों भी यूज कर दिया था, कब से कब तक हुआ आराम से बताएंगे। बताइए अभी तक टाइम से बोल रहे जवाब है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सोलह बड़ी किसे कहा जाता है? आराम से बात और कैसे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आराम से बोलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1 करोड़ 40 लाख रुपए सही है सर। सही है सर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगर 3 मिनट पूरेगा तो 2 मिनट देख लीजिए कितना टाइम बड़ा से सफर कर लेंगे हम लोग, है ना? उसके साथ ही मौजूद नहीं ना, उसको टीम सही है, अब नहीं कर रहा है, हम उसको कम कर लेंगे, अब कम कर लेंगे, दो कर लेंगे, वो तो हमारे ऊपर है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन है, भारत की लंबी नदी कौन सी है? रॉन्ग आंसर है यमुना, और वो ओजन के पास लेके जा रहे हैं इस प्रश्न को पीछे। हाँ इधर चलते हैं, हाँ इधर आ रहे हैं, ध्यान देंगे। मैं पूछता हूं, चलिए आप खड़े हो जाएंगे, क्या नाम है आपका? विवेक
विवेक कुमार जी, आप बताएंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका भी जवाब गलत आया है ना? वो लड़का और खड़े कर रहे हैं, गंगा नदी। गंगा नदी जो है को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आराम से, गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑडियंस के पास चलते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे ऑडियंस से, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? प्लीज चेंज योर माइंड, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? आशीष जी आप बताएंगे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? जोरदार ताली आशीष जी के लिए। पहला क्वेश्चन जो कि आपने इस फिल्म को देखी वो बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, पीके फिल्म में किस अभिनेता ने काम किया? शानदार फिल्म, आराम से जवाब देंगे, बहुत प्रसिद्ध फिल्म आप लोग बोले भी है। पीके फिल्म में किस अभिनेता ने काम किया? पीके फिल्म में पांच नंबर का है जो ये भी शानदार क्वेश्चन है। मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? थैंक यू जनरदार खाली। तो ग्रुप फॉर्म के पास मैंने दो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने दोनों का जवाब सही दिया है। अगला क्वेश्चन है इसके पास, बिहार के मुख्य व्यंजन क्या है? आराम से बताएंगे, लिट्टी चोखा। जवाब के लिए लिट्टी चोखा जो राजधानी बहुत अच्छा। और लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने तीनों का जवाब दे दिए, जब लोग ध्यान देंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आराम से बताएंगे, आपके पास 40 सेकंड टाइम स्टार्ट है। थैंक यू। हम बताना चाहेंगे इन्होंने ग्रुप फॉर्म में से है चार क्वेश्चन पूछा गया था और चारों का जवाब इन्होंने राइट दिया। थैंक यू। और मैं अब ग्रुप एन के पास आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है आप तीनों से, टीम एन है, टीम एन से। भारत की, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। ऑडियंस से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीछे भी हमारे ऑडियंस हैं, कृपया खड़े होइए। आप अपना नाम बताएंगे पहले। अमरकांत जी, क्या आपको क्वेश्चन जवाब पता है? बिल्कुल सही जवाब है ऑडियंस। उनसे पूछा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कौन थे? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल बहुत अच्छा। तीसरा क्वेश्चन है आपसे, किस खिलाड़ी को, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है? कैप्टन कूल, आराम से सोचे आप लोग। बिल्कुल सही जवाब है एमएस धोनी। बहुत अच्छी। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे और आखिर से रिलेटेड भी है ताकि आपको मोटिवेशन मिले। भारत की प्रथम महिला, ध्यान से सुनिएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? बिल्कुल सही जवाब किरण बेदी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। हमारे जजों से अनुरोध है कि वो जो टीम आगे क्वालिफाई हुई है हम उनको देख लेते हैं और उनका नाम अनाउंस करते हैं। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, आप लोग जितने भी टीम मेंबर यहाँ बैठे हैं।